साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हरियाणा के हिसार से देख रहे हैं, जहां पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध में आज हजारों किसान यहां पर पहुंचे हैं। दुष्यंत चौटाला आज हिसार के अर्बन स्टेट में एक कार्यक्रम में पहुंचना था और जैसे ही किसानों को भनक लगी हजारों की तादाद में अब इस वक्त किसान यहां पर पहुंच गए हैं। जोरदार नारेबाजी की जा रही है, लगातार इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस के पसीने छुड़ा रखे हैं किसानों ने। पुलिस ने चारों ओर से मजबूत घेरा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसानों ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी हालत में हम दुष्यंत चौटाला को यहां से नहीं निकलने देंगे। अगर पुलिस गोली चलाती है, हमें मारती है, हमें मार करके बेशक दुष्यंत चौटाला यहां से निकल जाए, बाकी किसी भी हालात में हम यहां पर दुष्यंत चौटाला को यहां से नहीं निकलने देंगे। लगातार नारेबाजी जारी, लगातार किसानों का पहुँचना जारी, पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रखे हैं चारों ओर, दबाव उन पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि होली के दिन भी सिरसा में दुष्यंत चौटाला का जबरदस्त विरोध हुआ था और अब उसके बाद लगातार हिसार में भी विरोध जारी है। अब देखना है कुछ ही देर में यहां पर दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे तो किस तरह के हालात यहां पर रहते हैं। आप तमाम साथी हरियाणा क्रांति न्यूज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। तमाम साथी आप हमारे साथ बने रहें और विकास सिसर जो कि यहाँ पर इस वक्त भाषण कर रहे हैं और लोगों से ऐलान कर रहे हैं, आप भी सुनिए। खड़े हो लो, चाहे बैठ लो, एक ही से ला देंगे।
आराम तक वहां पहले तो बैठे पास नहीं जाते विकास गलत सही बात है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद आज नहीं तो कल खुदेगी जिंदाबाद जिंदाबाद भैया तो जो नेता है हमारे मैन मैन से वो मेहनत हो रहे सी लाग लोग भाई किसान नेता मनोज राठी भाई अभिमन्यु कुमार शमशेर लंबरदार जो भी मुख्य मुख्य नेता है वो मेरा लोग सी लाग लो तो बात फिर करूंगा मैं आपसे भाई प्रशासन आया तो छोड़ की नहीं मीडिया में छोड़ की मेरे का नहीं आ जाओ एक बार खंडा ही हम लोग तोड़ निकलनी है सारे अगर आवाने हमें जो नेता जो आगे भाषण देनी नेता सरकार मारेगी कुटेगी छोटेगी गोली मारेगी सरकार की मर्जी है हमारा जो फैसला है अटल है निश्चित तौर पर हमने मार की तो बेशक ले जियो बहरे तो दुष्यंत चौटाला ने और वो हम जान नहीं देंगे और भाई नेताओं से भी मैं अपील करूंगा भाई मजबूती के साथ आपने खड़ा रहना है नेता का परीक्षण ही सही है गरीब हुआ है नहीं तो गरगेले नेता है तो आज आपने दो चीजा परीक्षण करना है प्रशासन का और किसान नेताओं का अपनी तरफ तक किसी ने हाथ नहीं उठाना है जे मारा लाठी मारो जे किमे करो आपने अपना संयम बनाए रखना है जब एक लाठी मारे लायक की आप मैं तो किसी का लायक की तो आप नो मानियो गांव के गांव उठ के आऊं यार अब शहर है गांव के गांव उठ के आऊंगे किसी भी सूरत में हमने शांति नहीं करनी युद्ध लड़ना हम नहीं आ रहे हमारे यहाँ विरोध करण और विरोध पक्का करांगे निश्चित तौर पर करांगे और भाई दूसरी बात यह है उप मुख्यमंत्री का रहा है कि मैं समस्या सुनना रहा हूँ कब है ना अखबार में सारे में पल्ला वोट उसको दिए थे शहर जिले ने नेता बनाया है शहर ने एमपी बनाया है शहर ने आज पूरी देश में यानी पूरी दुनिया में बेरा है आज का दिन देश में प्रदेश में